हेलो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं ऑरेंज कलर फोटो एडिटिंग। ऑरेंज कलर फोटो एडिटिंग आप लाइटरूम एप्लीकेशन मोबाइल से आप किस तरह बना सकते हैं इस वीडियो में बताए स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, तो हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। आने के बाद दोस्तों हमारे फोटो को ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों एक्सपोजर को बढ़ा लेना है। लेने के बाद दोस्तों कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है, हाईलाइट को बढ़ा लेना है दोस्तों। फिर आपको शेडो को कम कर लेना है। फिर आपको व्हाइट को बढ़ा लेना है दोस्तों। फिर आपको ब्लैक को कम कर लेना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको थर्मामीटर वाला ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको कस्टम सिलेक्ट कर लेना है। कस्टम सिलेक्ट वाइब्रेशन को बढ़ा लेना है। इतना बढ़ा लेने के बाद दोस्तों आपको मिक्सर टूल पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको रेड कलर सिलेक्ट करना है, ह्यू को प्लस कर देना है। तकरीबन इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एल्यूमिनेंस को प्लस। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस। तकरीबन इतना इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है, ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को माइनस। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको स्काई ब्लू कलर पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों सैचुरेशन को माइनस कर देना है। फिर आपको ब्लू अभी जिस फोटो का अभी सेव किया उसी फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद दोस्तों आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों जिस फोटो का अभी डिलीट किया उसी फोटो को ऐड कर लेना है। ये हमारा फोटो आ चुका है, इसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रीसेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कॉपी सेटिंग कर लेंगे। कॉपी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों हमारे फोटो को ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करना है और फिर सेटिंग कर देना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से थर्मामीटर वाला ऑप्शन पर आ जाना है। फिर आपको मिक्स कलर पर आ जाना है। फिर आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को थोड़ा घटा लेना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। इसी तरह से अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा कुछ नॉलेज मिला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों।